अकाल जी दोस्तों, पहला तुसी एक वीडियो देखो ते इस वीडियो नू देखन तो बाद फिर आपां इहदे उत्ते गलबात करदे आ। ये गल किन्नी क सही है किन्नी क गलत है, क्योंकि समय समय दे उपर इदां दीआं वीडियो ने जिहड़ीआं ओह सोशल मीडिया दे उपर वायरल हुंदीआं रहिंदीआं ने ते लोकां दे चर्चा दा विशा बनदीआं ने। कोई इहनां नूं माड़ी कहिंदा कोई चंगी कहिंदा। अज आपां जिहड़े ने इस गल ते विचार करांगे वी इस वीडियो दे विच जो कुछ हो रिहा किन्ना क सही है किन्ना गलत है, पर पहला तुसी इस वीडियो नूं देखो। पट 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 हांजी वीडियो तुसी देख ली है। सरकारी स्कूल दे मास्टर जी बच्चियां दे कोलों स्कूल दे विच ते स्कूल दे आले दुआले की सफाई करवा रहे हैं। जदों भी कदे अजिहियां वीडियो सोशल मीडिया दे उपर हुंदियां ने ते बहुत गिणती जिहड़े सज्जन वीर ने उह विरोध करदे ने जी बच्चों कोलों सफाई क्यों कराई जा रही है, बच्चे असीं स्कूल पढ़न लई भेजदे हां सफाई करन लई थोड़ा भेजदे हां। जिवें सफाई कोई बहुत वड्डा जुर्म होवे कोई बहुत वड्डा गुनाह होवे सफाई करनी, इंज असीं इन्हां चीज़ां दे नाल रिएक्ट करदे हां। पर जे तुसीं सचमुच विवेक बुद्धि दे नाल थोड़ी जिही गंभीरता दे नाल इन चीज़ां नूं लवोंगे ते सफाई करनी सफाई रखनी आले दुआले नूं साफ रखना एक जुर्म नहीं है गुनाह नहीं है एक बहुत वड्डा गुण है। ये साडे सियाणे होण दा सबूत है। अज इहदे उत्ते आपां चर्चा करांगे। दोस्तों जदों भी कदे असीं विदेशां दे लोकां नूं देखदे हां क्योंकि अजकल पंजाब विच खिच बहुत है, जदों असीं बाहरले विदेश दे लोकां नूं देखदे हां ते कई बार सानूं ऐसियां ऐसियां उदाहरणां मिल जांदियां ने जी उस देश दा प्रधानमंत्री जी अपने बूटां दे फीते बन्न रिहा है। पिछले समें कनेडा दा प्रधानमंत्री ट्रूडो जदों हिंदुस्तान दे विच आया ते उहने अपने जवाक दे बूट भी आप पाए अपने जवाक नूं अपने मोढ़ियां उत्ते चक्किया ते असीं बड़े खुश होए कि देखो प्रधानमंत्री है ते किन्ना सधारण लगदा है अपने बच्चों की सांभ संभाल किदां एक आम इंसान की तरह कर रहा। असीं बड़े खुश होए। वीडियो बड़ियां लोकां ने देखियां ते चंगे चंगे कमेंट किए उहदे उत्ते। पर जदों यही काम असीं अपने देश विच देखदे हां वी कोई एक वधिया इंसान एक सधारण काम नूं बड़े वधिया तरीके नाल कर रहा है ते कई बार असीं उस काम नूं फिर माड़ा क्यों समझ लैंदे हां। जे तुसीं कदे गूगल ते सर्च मारो ते जापान दे जिहड़े बच्चे ने जापान दुनिया दा एक बहुत डिवेलप कंट्री मन्निया जांदा है एक बहुत ये कह लो भी विकास होया पूरी तरह के नाल एक वधिया कंट्री मन्निया जांदा जिहदियां दित्तियां जांदियां ने उदाहरणां भी जापानी लोग इदां दे मेहनती हुंदे ने जापानी लोग बड़े क्रिएटिविटी दे विच बड़े अगे हुंदे ने जापानी लोग तकनीक दे विच बड़े अगे ने जापान बड़ी तरक्की दे विच है इदां दीआं गल्लां असीं जापान की महिमा का गुणगान करदे हां। पर जे तुसीं जापान दे स्कूलां दी सिक्ख्या नूं लवो ते जापान दे विच हाई स्कूल तक हर एक बच्चे नूं रोजाना स्कूल दे विच सफाई करनी पैंदी है 15 मिंट दे लई। जापान दे हाई स्कूल तक दे बच्चियां नूं रोजाना 15 मिंट स्कूल दे विच सफाई करनी पैंदी है। जे तुहानूं विश्वास नहीं हो रहा मैं तुहानूं इक वीडियो दिखाउणा फिर गल आपां सांझी करदे हां। Toriokoko is a very special high school. The students and staff here have a great sense of pride and respect for their school and each other. Everyone contributes thoroughly to cleaning the school each day after lunch. The day after this was filmed, Kumamoto suffered a 6.5 and 7 magnitude earthquake. The school became a hospital and emergency shelter. All the students and staff turned up to help, despite many having lost their homes. Their sense of community spirit and service is very strong here. いいよ。行くよ。
At the end of this short video, you'll hear the Japanese teacher telling Japanese students that Australian students don't do cleaning, and you'll see how surprised the girls' reactions are. いや、しょうがないか。イレイナ先生かなんかが言うらしいけど。もうこれをね、生徒に見せるのって。リズがオーストラリアに出てくるの。うん、なんでかってね、オーストラリアではね、掃除しないんだって。だけどね、このさ、はい。 ごめんごめん、大丈夫大丈夫。オーストラリアの人に見せるだけだっけ。顔は映してないけど大丈夫。 देखिया जी जापानी बच्चे किदा अपने क्लासरूम की सफाई कर रहे ने। कल्ले क्लासरूम की नहीं, जिथे वो बाथरूम करते हैं, जिथे टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट ते बाथरूम वाले स्पेस की सफाई भी बच्चे आप करते हैं। शायद तुहानू इस गल का पता होगा कि जापान के स्कूलों के सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं रखे जाते, सारे स्कूल की सफाई बच्चे खुद करते हैं और बड़े चाना करते हैं। जे उन्होंने कारण पूछिए भी ये सफाई तुम क्यों करवाते हो, तो कि बहुत सारे जो यूरोपीयन कंट्री ने वो जापान के इस सिस्टम का विरोध भी करते हैं भी उत्थे सफाई कराई जाती है, पर जापानिया का एक अपना तर्क है। जदों के जापान का जोड़ा संविधान है, संविधान के कानून के मुताबिक बच्चों के कोलों सफाई करवाने का कोई विधान नहीं है, पर जापानी टीचर एक गल दसते हैं कि सानू ये क्योंकि जापान के बहुते लोग ने जोड़े बोधी ने, बुद्ध धर्म बड़ा अपनाया हुआ लोगों ने, वो कहते हैं भी सानू बुद्ध धर्म के अपने आप ते अपने आले दुआले साफ रखने की जी है वो सिक्ख्या मिलती है। इस करके असी अपने धर्म के इस सिक्ख्या असी अपने अमली जीवन में लैके आने, बच्चों सिखाया जाता भी तुहाडा धर्म इदा का कहिंदा। मैं तुहानू अज कुछ ऐसे गुण जो मैनू लगे, हो सकता तुसी सारयां दे नाल सहमत ना होवो, पर कुछ ऐसे दोस्तों गुण ने जिहड़े मैनू लगदे ने भी जेकर बच्चे स्कूल च सफाई करदे ने ते ओह गुनाह नहीं है, एक चंगे अध्यापक दी निशानी है। वह अपने बच्चों के अंदर इदां दे गुण भरदा ते बच्चे भी भागां वाले ने जिहड़े उन्हां गुणां नूं धारण करके ते अपनी जिंदगी नूं भी सोहणा, अपने आले दुआले नूं भी सोहणा, अपने अंदर भी चंगे गुण धारण करते हैं। जिवें आप छोटी जी गल लै लीए, जदों असी छोटे होंगे साडे तो जोड़े 40 साल तो उपर वाले सज्जन ने, 30 साल तो उपर वाले भी होणगे, जदों असी स्कूलों पढ़ते सी स्कूलों के गल मकाओ भी इट्टां तक तो ढोण का कम भी करते, कदे स्कूल दे विच कोई क्लासरूम बनना, कोई बिल्डिंग बननी स्कूल की, ते टीचर बच्चों को ला देंदे सी घा पट्टण दी, खालियां पट्टण दी, खालियां दे आले दुआले जां पार्क दे आले दुआले इट्टां सट करके लाउण दी जिहड़ा कम सी सारा वो विद्यार्थी खुद ही करदे सी। कदे कोई बाहरों दिहाड़ियां नहीं सी लाया जांदा, कदे मजदूर नहीं सी लाया जांदा, और साडा कोई घटदा भी नहीं सी, बड़े चाह दे नाल करदे सी, और सानू अज भी वो गल्लां वधिया लगदियां ने। मैं नवोदया स्कूल होस्टल दे विच पढ़िया, नवोदया स्कूल की रिजल्ट देखो, पूरे ऑल इंडिया के CBSE बोर्ड के पिछले 20 साल तो सब तो जोड़े चंगे रिजल्ट ने वो नवोदया स्कूलों के आ रहे हैं, जदों के उत्थे बच्चों सब कुछ फ्री च पढ़ाया जाता है, कोई लखां फीसां नहीं उतारनियां पैंदियां। एक पासे लखां फीसां उतार के भी प्राइवेट स्कूल वो रिजल्ट नहीं दे पाते, बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा नहीं कर सकते जिहड़ियां क्वालिटीज़ जिहड़े गुण नवोदया स्कूल ने जिहड़े वो अपने बच्चों के अंदर भर देंदे ने। उहदा कारण है उत्थे कल्ला रट्टे लाउणा नहीं सिखाया जांदा, हर काम बच्चे अपने हत्थीं करदे ने, इत्थों तक कि अपने कपड़े धो के सुका के प्रेस करन तक, अपने शूज़ नूं पॉलिश करन तक सारे काम बच्चे अपने आप करदे ने, और वह बच्चे पढ़ाई पक्षों आम बच्चों नालों तेज होंगे ने, घट नहीं होंगे। तो इहदा कारण की है, असल विच ये गुनाह नहीं है, ये गुण है बहुत बड़ा।
मैं तुहानू कुछ ऐसी क्वालिटी दसन लगा जिहड़ी इन्हां बच्चों के अंदर आ जांदियां ने जदों बच्चा स्कूल दे विच अपना हत्थी काम आप करदा भावें उह सफाई दा होवे भावें कोई होर काम होवे। सब तो पहला बच्चा जिम्मेवार बनता है, बच्चे नू अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुंदा है कि मैं जिम्मेवार हाँ, ये जिम्मेवारी है मेरी आले दुआले नू साफ रखना अपना काम आप करना। बच्चे नू अपने हत्थी अपना काम आप करन दी आदत पैंदी है जिसका उपदेश गुरु नानक साहिब पातशाह ने बाणी विच भी दिता, अपन हत्थी अपना आपे ही कड सवारी है, अपने अपने काम नू अपने हत्थी करन दी आदत बच्चे नू पैंदी है। बच्चे रल मिल के रहना सीखते ने कम करदिया होया, क्योंकि कई कम ऐसे होंगे ने जो बच्चा कल नहीं कर सकता वह दो तीन बच्चे रल के करते हैं तो आपस रल मिल के कम करना सीखते हैं। बच्चों के अंदर भेदभाव खत्म होंगे, भावें उत्थे कोई अमीर का बच्चा भावें 50 किलों वालों के बच्चे ने भावें दिहाड़ीदार का बच्चा जो वह सारे एक थां कम करते हैं तां उन्हां दे अंदर भेदभाव खत्म हुंदा है, उन्हां अंदर एक दूजे प्रति हीनता खत्म हुंदी है। इस तरह बच्चियां नूं सफाई रखण दी आदत पैंदी है, क्यों? क्योंकि जदों सानूं ये पता होवेगा ना वी गंद असी पाउणा है ते सफाई किसे होर ने करनी है, फिर असी परवाह नहीं करदे। जदों सानूं इस गल दा पता है भी असी सफाई भी जिहड़ा गंद असी पा रहे हैं जिहड़े कागज असी खलार रहे हैं इहदी सफाई सानू खुद नू करनी पैनी है, तो यतन करते हैं असी भी गंद ना पाया जाए खलारा ना खलारिया जाए। जदों बच्चों इस गल का पता होगा ना भी सफाई असी करनी है तो वह सफाई रखण की आदत पाउणगे। उस तो बाद बच्चों के अंदर सेवा भावना पैदा होंदी है, जिहड़ा काम उन्होंने नहीं भी किया भी साफ करने की जिम्मेवारी उन्होंने अंदर पै जाती है, एक परोपकार की भावना बच्चों के अंदर पैदा होंदी है, क्योंकि जिहड़ी सफाई मैं कर रहा वो सारा गंद मैं नहीं पाया होया, जिन्ना खलारा मैं सारा चुक रहा हैं वो सारा खलारा मैं नहीं पाया होया। तो साढ़े अंदर सेवा भावना पैदा होंदी है, बच्चों के अंदर हुक्म मनण की भावना पैदा होंदी है, क्योंकि बच्चे चाहते नहीं होंगे असं सफाई करिए पर उन्होंने ना चाहद्या होया भी वह काम करना पैंदा है, हुक्म मनना पैंदा है, तो हौली हौली हुक्म मनना उन्हां दा गुण बन जाता है। बच्चों सफाई विच रहण की आदत पै जाती है, जिहड़ा बच्चा खलारे दे विच रहेगा गंदगी दे विच रहेगा वो बच्चा हौली हौली उस चीज़ को एक्सैप्ट कर लैंदा प्रवान कर लैंदा, फिर उसनू सफाई विच ते खलारे दे विच फर्क जिहड़ा है वह महसूस होना खत्म हो जाता है। पर जे बच्चा सफाई विच रहिंदा है तो उन्होंने फिर सफाई विच रहण की आदत पवेगी, जदों भी किते वह जिस धरती उत्ते जिस थान के उत्ते जिस स्थान के उत्ते रहेगा वह अपने आले दुआले नू साफ करके बैठण का यतन करेगा। उस तो अगे चलीए, सानू साडा आला दुआला साफ रहिंदा है, सानू आदत पै जाती है कि कल्ला घर ही साफ नहीं रखना, कल्ले अपने कपड़े ही साफ नहीं होने चाहिए, कल्ले शरीर ही साफ नहीं रखना, सानू अपना आला दुआला भी साफ रखने की लोड़ है। तो ये गुण ने जिहड़े बच्चे स्कूल विच काम करते हैं उन्हां बच्चों विचों ये गुण पैदा होंदे ने, क्योंकि हत्थी काम करना ये माड़ा ब्राह्मणवाद का भी एक ब्राह्मणवाद की निशानी है, क्योंकि हत्थी काम करने वाले नीवा कहना हत्थी काम करने वाले शूद्र कह देना यह तो ब्राह्मणवाद सी, पर गुरु नानक साहब पातशाह ने कृपा की, गुरु नानक साहब पातशाह ने कहा सिख की शुरुआत ही सेवा तो होंदी है, सिख जोड़े साफ करता है, करोड़पति सिख होएगा वो मजदूर गरीब दे जुत्ते भी जेकर जोड़े घर विच आ जाए उन्होंने भी सफाई करता है। ब्राह्मण ने कहा सफाई करने वाला शूद्र होंदा है, मेरे बाबे नानक ने कहा सफाई करने वाला हत्थी काम करने वाला संत होंदा है, ब्रह्म ज्ञानी होंदा है, महान पुरश होंदा है।
कई सज्जन इदां कहिंदे ने कि जी सरकारी स्कूलों के बच्चों कोलों तो सफाई करवाई नहीं जाती। मैंने एक सज्जन का सवाल आया, कहन लगे जी सरकारी स्कूल तो सफाई करवाते नहीं बच्चों को, सिर्फ सरकारी प्राइवेट स्कूल नहीं करवाते, केवल सरकारी स्कूल ही बच्चों को सफाई क्यों करवाते हैं, प्राइवेट क्यों नहीं करवाते। तो दोस्तों एक गल याद रखो, प्राइवेट स्कूल सिक्ख्या दा केंद्र नहीं, प्राइवेट स्कूल केवल बिजनेस एक व्यापार केंद्र ने, एक बाजार ने, जिस बाजार दे विचों उन्होंने केवल पैसा कमाना। प्राइवेट स्कूलों नू कोई लैण देण नहीं कि उन्होंने बच्चों अंदर चंगे गुण भरने ने, तुहाडे बच्चों नू रचनात्मक बनाउणा है, तुहाडे बच्चों अंदर क्रिएटिविटी पैदा करनी है, नहीं वो साडे बच्चों नू रट्टा लाउण सिखाउंदे है, साडे बच्चों नू केवल नंबर पैदा करन वाली मशीन बनाउंदे है, वो बच्चों के अंदर सोचण शक्ति नू खत्म कर देंदे है। इस करके स्कूल की सफाई करनी, घर की सफाई करनी, जे असी बच्चे नू ए नहीं कह रहे, जे बच्चे नू असी ए कह रहे हैं, माफ करना भी स्कूल की सफाई करनी बहुत माड़ी गल है, तो बच्चा घर की सफाई किवें करेगा, फिर असी कहने जी साड़ी गल नहीं मनदा। बच्चे नू सिखाइए, हुक्म मनना सिखाइए, गल मननी सिखाइए, तां जो टीचर की गल मनदिआं मनदिआं उसनू गल मनन की आदत पवेगी, साड़ी गल भी मनेगा। इस करके दोस्तों सफाई रखनी, सफाई करनी ये बहुत वड्डा धर्म है, ये बहुत वड्डी सेवा है, ये गुनाह नहीं है, ये जुर्म नहीं है, असल दे विच ये बहुत वड्डा गुण है, और ये गुण ही सानू वड्डा बनाउंदे ने। एवें थोड़ा जापानी लोग अपने बच्चों नू बाथरूमों दे विच सफाई करन दे लई क्लासरूम च पोचे लाउण नू वेख वेख के खुश हुंदे ने, कोई ते कारण होएगा ना। इस करके जे कोई चंगा काम हुंदा उहदा साथ दिया करो, एवें टीचरां दी गल जाके पिया करो, उह साडे बच्चों के लिए चंगा ही साबित होवेगा जो साडे टीचर करवाउंदे ने। उम्मीद करते हैं ये वीडियो तुहानू चंगी लगी होवेगी, कमेंट बॉक्स के विच तुसीं अपने विचार जरूर दिओ, चंगे होण भावें माड़े होण आपां स्वीकार करांगे। जे चंगी लगी ते वध तों वध इस वीडियो नू शेयर करो, इदां दियां वीडियो लैके मैं फिर तुहाडे सामने हाजिर हुंदा रहांगा। सत श्री अकाल।